डोंगरी टू दादर, दादर टू बैंड्रा। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माई सिल्वर बॉय। गाइज इट्स 8:18 इन द मॉर्निंग। मैं अभी उठा हूँ गाइज, और आप सोच रहे हैं कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो ये है मेरा माइक, क्योंकि मेरे फ़ोन में बराबर आवाज़ नहीं आ पा रही, इसलिए मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस अभी हम लोग की काम करते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट हो कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। सो गाइस अभी आज का व्लॉग जो होगा वो एकदम इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज का व्लॉग होगा ट्रैवलिंग व्लॉग। आज गाइस मैं ट्रैवल करूँगा, जो पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से दादर, जो कि मेरा फ़ोन रिपेयर कराना है। गाइस पहले हम जाएंगे यहाँ से दादर, फिर वहाँ से दादर से हम ट्रैवल करेंगे बैंड्रा। बैंड्रा में भी एक काम है, तो गाइस हम लोग यहाँ से दादर और दादर से बैंड्रा ट्रैवल करेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग एकदम फाड़ होने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम एकदम कंटेंटेबल होने वाला है। गाइस मैं दिखा दूँगा आपको क्या क्या चालू है, क्या क्या चालू नहीं है गाइस, और ट्रैवलिंग व्लॉग भी हो जाएगा। तो अभी एक काम करते, पहले अभी हम लोग उठे तो चाय कॉफ़ी पियेंगे फिर। सो गाइस आप सोच रहे हैं मेरी आँख में इतना पानी, मैं तो ऐसा आवाज़ क्यों नहीं आ रही। गाइस मेरे को हो चुकी है थोड़ी सर्दी, सर्दी सुबह के टाइम में मेरे को होती है, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझता ही नहीं है मेरा प्रॉब्लम का। तो मैं सुबह सुबह सर्दी होती, फिर दोपहर इवनिंग तक, मतलब दोपहर जब तक सन निकल जाता है प्रॉपरली 1 o'clock तक, तब तक रुक जाती है। अभी क्या प्रॉब्लम मेरे को मालूम नहीं है, तो भी मैं ले लेता हूँ दवाई सी। और गाइस जैसा आप सोच रहे हैं इसलिए, और मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, कॉफ़ी भी तो एक काम करता हूँ, मैं सब नाश्ता पानी कर लेता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट नहा के मिलता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट नहा के। सो गाइस फाइनली मैं अभी नहा चुका हूँ, मेरे बाल पूरे सेट हो चुके, मैं नहा चुका हूँ, अभी मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। तो एक काम करते निकलता रास्ते में थोड़ी बात। सो गाइस फाइनली मैं अभी निकल चुका हूँ जाने के लिए, तो पहले मैं जा रहा हूँ ATM, वहाँ से पैसा निकालूंगा, फिर जाऊँगा मेरी जो नानी हो मेरे साथ है गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ पैसा निकालने के लिए। तो चलो चलते, मैं यहाँ से भी पहले जाऊँगा भिंडी बाज़ार, वहाँ से बस पकड़ूँगा और वहाँ से फिर निकलूँगा। तो पहले हम लोग जा रहे हैं अभी इधर पैसा निकालने के लिए, तो चलो चलते हैं देखते। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, इट्स 9:44 इन द मॉर्निंग, और अभी हम लोग जा रहे हैं भिंडी बाज़ार, वहाँ से बस पकड़ेंगे। तो एक काम करते, अभी रास्ता थोड़ा लंबा है, तो मैं बस में बैठ के डायरेक्ट आपके साथ बात करता हूँ। हम लोग फाइनली बस में बैठ चुके हैं, अभी बस चल रही है, अभी हम लोग दादर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको रास्ता दिखा देता हूँ क्या है क्या चालू है, अभी मैं टाइम लैप्स ले लेता हूँ एक बार, आपको दिखा देता हूँ क्या चालू है क्या चालू है। तो चलिए गाइज हम लोग फाइनली उतर चुके दादर, अभी हम लोग वॉक कर रहे, हम लोग उतरे थे ईस्ट में, अभी हम लोग वॉक कर रहे टूवर्ड्स द वेस्ट। अभी हम लोग ये ब्रिज पे, जो आप देख सकते हैं पीछे, ये ब्रिज पे अभी हम लोग वॉक कर रहे टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट में जा रहे। तो कंटिन्यू करो वीडियो, मैं अभी डायरेक्ट आपको ना रियलमी स्टोर पर डायरेक्ट मिलता हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत लॉन्ग है और चलने में थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज अभी
हम लोग वॉक कर रहे, ईस्ट में उतरे थे, अभी ईस्ट टू वेस्ट जा रहे, तो थोड़ा लंबी चाल है गाइस, तो चाहिए तो थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय कर लेना। तो गाइस हम लोग फाइनली हमारे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते रहेंगे हम लोग लोकेशन पे हमारी, हम लोग ये मॉल में किंग सेंटर करके अभी यहाँ पर रियलमी का स्टोर ढूंढ रहे हैं। तो रियलमी का स्टोर देखो, देखो उधर देखो, रियलमी का स्टोर लोग यहीं पर ढूंढ रहे। अब किसको पूछ लेता हूँ मैं, कहाँ पर है रियलमी का स्टोर? भाई रियलमी का स्टोर कहाँ पर है? रियलमी का स्टोर गैलरी आती ना रियलमी, एक छोड़ के रियलमी का ये शायद से। एक्सक्यूज मी, इज दिस रियलमी स्टोर? 58 शॉप नंबर, सो हम लोग वही ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है ये। रियलमी स्टोर, सो गाइस हम लोग फाइनली हमारे स्टोर पे पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग इसकी रिपेयरिंग कराएंगे और रिपेयरिंग करने के बाद वापस जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है बैंड्रा। तो अभी हम लोग इसकी रिपेयरिंग कराने आ गए, हमारा शॉप नंबर है 58 और हम लोग को वो मिला है बिल्ला, क्या बोलते हैं, नंबर मिला है जो कि है सेकेंड नंबर हमारा। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, हमारे फ़ोन का जो भी है सब बताएंगे और फिर हम लोग मिलेंगे बाहर वापस और फिर हम लोग ट्रैवल करेंगे टू बैंड्रा इन एंड टैक्सी, टैक्सी में जाएंगे हम लोग। तो अभी मेरा नंबर आ रहा है, शायद से आ गया रहेगा, नहीं एक नंबर के बाद है, एक अंकल है उनके बाद मेरा नंबर है। सो गाइस अभी इधर का लोकेशन एक नंबर है गाइस, सब स्टोर्स बंद है, देख सकते रहेंगे स्टोर्स ऑलमोस्ट बंद है। और यहाँ पर मैं आया हूँ मेरी फ़ोन की रिपेयरिंग के लिए जो कि है किंग क्रेस्ट करके, जो कि मॉल है उसके अंदर आया हूँ मैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैं जब अभी नीचे उतरूँगा ना तब मैं आपको पूरा दिखा दूँगा जो इधर है। अभी मेरा पहले फ़ोन का काम कर लेते हैं, तो मेरा एक सिर पर से जो बोझ है वो उतर जाएगा, तो मेरा थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वो फ़ोन मेरा मेन फ़ोन है जिससे मैं पूरी एडिटिंग करता हूँ, सब करता हूँ गाइस। वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया तो गाइस उसको ही मैं बनाने आया हूँ, बस दुआ करोगे जल्दी बन जाए। एक काम करता, अभी मेरा नंबर आ गया तो मैं रुक जाता हूँ और बाद में मिलता बाहर निकल के, ये अंदर व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अंदर व्लॉग करने एक सेकंड, हाँ अंदर व्लॉग करने मेरे को मना करे तो, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं हर जगह व्लॉग करना, तो पहले मैं अंदर जाके बाहर आ जाता हूँ फिर हम लोग। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है, अब मैं बाहर आ रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है रियलमी के स्टोर में जाके काम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ बैंड्रा की तरफ। तो गाइस देखो अभी बैंड्रा की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो अभी आज हम लोग कैब पकड़ेंगे और बैंड्रा की तरफ जाएंगे। सो गाइस फाइनली कैब मिल चुकी है, हाँ हाँ वहाँ से ले लो, चलेगा तुलसी बाइक रोड से ले लो। सो गाइस फाइनली मेरा हो चुका है कंप्लीट काम और वो जो कस्टमर केयर था उसने इतना टाइम ले लिया गाइस, मैं करीब 9:30 या 10 के अंदर पहुँचा था और अभी बज रहे 11:40, तो मेरे को करीब 1 hour या 1 something hour ले लिया गाइस मेरा, ज़बरदस्ती उसने लेट करा ली और वो सब ओपन ओपन करके देख रहे थे उसका बिल बॉक्स का रहे सब। तो अभी ये मेरे को बोले कि बन जाएगा आपका फ़ोन, तो अभी देखते कब तक बन के वापस आता है।
अभी गाइस मैं बैठा हूँ टैक्सी में जाने के लिए बैंड्रा। अभी हम लोग, और ये जो मॉल दिख रहा है आपको, यहाँ दिख सकता रहेगा ये वाला मॉल, ये वाला मॉल था जिसमें मैं गया था। तो इसमें सब तरह के स्टोर्स है रियलमी के, तो ये वाला था, इसमें गाइस मैं गया था अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ बैंड्रा, जो कि हम लोग जाएंगे अभी तुलसी पाइप रोड से जाएंगे। तो चलो और टाइम लैप्स इंजॉय करो, आप देखो जाते कैसे हम लोग। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो गाइज मैं आपको एक अहम बात बताना भूल गया गाइज, आप जब भी घर से बाहर निकल रहे किधर भी जाने के लिए, किस जगह पर भी जाने के लिए गाइज, तो पहन के निकलो अपना मास्क एंड ग्लव्स सब पहन के निकला करो, क्योंकि अभी बहुत कोरोना का सिम्टम्स फैल रहे गाइज। तो जैसा हो सके जितना हो सके सेफ रहो, अगर उतर रहे हो तो गाइज मास्क वास्क पहन के उतरो। और गाइज मैं टैक्सी में भी बैठा हूँ, तो गाइज हम लोग सिर्फ दो जन बैठे, मैं और मेरी नानी जो कि है, हम लोग दोनों ही दो जन ही बैठे, उससे ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स भी ले रहे नहीं है। तो गाइस जितना हो सकता उतना सेफ रहो, स्टे होम स्टे सेफ, जितना हो सके घर पे रहो, बाहर निकल भी रहे हो तो निकलो। और अभी खबर जैसा मालूम पड़ रही है कि गाइस अभी लॉकडाउन, मतलब जो ट्रेन्स फ्लाइट्स है, फ्लाइट जो भी खुलेगा वो नवम्बर में खुलेगा, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है अभी। जो भी है सब मोदी सर के हाथ में ही है, सब उनके हाथ में ही है, जो भी होगा उनके हाथ में ही है। अब और भी कुछ सकते नहीं है। तो गाइस जितना हो सके अपन लोग उन लोगों के साथ कॉपरेट करने का और जितना हो सके घर पे रहो। और गाइस अभी मैं निकल गया हूँ बैंड्रा से टू दादर, और मैं पहुँच भी गया हूँ, मैं दादर स्टेशन पे हूँ। दादर स्टेशन से क्रॉस कर रहा हूँ दादर स्टेशन, और मैं जा रहा हूँ बैंड्रा के लिए, जो कि हम लोग जा रहे हैं बैक साइड से। और मेरे को गाइस जाना है पेरी क्रॉस रोड, जहाँ पर सचिन तेंदुलकर का बंगला है गाइस, उस तरफ जाना है गाइस मेरे को। मेरी नानी का एक काम है वो करने के लिए गाइस, तो हम लोग को जाना उधर है। तो चलो चलते हैं, देखते बोलते। मैंने एक छोटा सा पावर नैप ले लिया हूँ, अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं यहाँ से भी सीधा हम लोग जा रहे हैं अभी पेरी क्रॉस रोड गाइस, अभी वहाँ पर ही जा रहे हैं हम लोग। मैंने 5 to 10 minutes का पावर नैप ले लिया हूँ, और आगे अभी हम लोग पहुँच रहे, और अभी हम लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग वॉकिंग करना है, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं ले पाएंगे, या ले भी सकते हम लोग। हाँ ये वाली गली लेफ्ट मार लो, लेफ्ट मार लो। सो गाइस हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से अभी हम लोग पेरी क्रॉस लेन में ही है। हाँ वही तो बोला ना आपको, वन वे रोड, यहाँ रुकते तो रोक दो। अंदर जाना है, जो कि मेरे पीछे आप रास्ता देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अंदर जाना है। तो यहाँ से अंदर जाके तो आएगा सचिन तेंदुलकर का बंगला, और यहाँ पर एक काम है, वो काम करेंगे फिर रिटर्न हो जाएंगे हम हमारे घर पे, जो कि है डोंगरी पे। सो वी आर गोइंग स्ट्रेट नाउ, वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न टू दैट वॉक। सो चलो, और मैं गाड़ी में भी पावर नैप ले लिया था, तो मेरी आंखें थोड़ी रेड दिख रही होगी। सही रास्ते पे ना वहाँ, तो मेरी नानी को पूछ लिया, और सही रास्ते पे है हम अभी। यहाँ से वैसा यहाँ से स्ट्रेट जाके जहाँ मेरी उंगली दिख रही है वहाँ पर हमें जाना है।
वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और अभी बज चुके हैं 12, 12 बज चुके हैं गाइस, और हम लोग को हाफ एन आवर जाएगा उधर, फिर हम लोग रिटर्न हो गए। जब रिटर्न हो गए तब शायद से हम लोग ओला कैब में जाएंगे, शायद से, डोंट कोट मी ऑन दिस, आई थिंक सो हमें ओला मिलेगा। और हम लोग ओला में रिटर्न हो गए, मतलब अभी 12 o'clock हुआ है और अभी है 28 degrees Celsius, मतलब बारिश होने के चांसेस ज़रा भी नहीं। और नहीं होवे बारिश, बारिश नहीं होवे क्योंकि फिर व्लॉग नहीं कर पाऊँगा मैं, तो बस दुआ करो बारिश नहीं होवे, और होने के चांसेस भी नहीं है ना मेरे घर पे हो रही है, मतलब ना मेरे बॉम्बे में हो रही है, ना यहाँ पर बैंड्रा में हो रही है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही। माहौल एकदम प्लीजेंट है, सन भी ऊपर ही, एकदम सन का प्रकोप ऊपर ही है, सन की रोशनी आ रही है। तभी हम लोग आ गए डेस्टिनेशन पे। अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरा काम हो जाएगा ना उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलता हूँ, और वापस से एक बार बोल देता हूँ, जब उतर रहे तब मास्क पहन के उतरना, मास्क के बगैर नहीं उतरना। आजकल पुलिस बहुत पकड़ ली है विदाउट मास्क वाले लोग को। सुबह जितना सके घर पर रहो, स्टे होम स्टे सेफ, और मैं भी काम करता हूँ और वापस मिलता हूँ। सो गाइस मेरी ओला आ गई है, एक सेकेंड भाई, ये अले तबसुम कह लीजिए, तबसुम ना, हाँ। सो गाइस मेरी ओला आ गई है, मैं ओला में बैठ रहा हूँ, एक दो मिनट में आपको बात करता हूँ। फाइनली मैं बैठ चुका हूँ मेरी ओला में, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी हमारे जो लोकेशन है होम लोकेशन डोंगरी पे गाइस। तो ये ओला में आ चुका, अब मैं बैठ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से बैंड्रा से डायरेक्ट जाऊँगा अभी मेरे होम लोकेशन जो कि है डोंगरी। सो गाइस अभी एक काम करते, वीडियो एंड कर देते, क्योंकि मेरे को एकदम नींद आ रही एकदम, और बाहर ड्रिजल होना चालू हो गई है गाइस, बाहर ड्रिजल हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है। बस मैं घर पहुंच जाऊँ, उसके बाद जितनी बारिश होनी हो जावे, कि मेरा दोनों काम था वो पूरा हो चुका है। सो अभी एक काम करते, वीडियो एंड कर देते। सो गाइस इफ़ यू एंजॉयड माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड गाइस स्टे होम स्टे सेफ, एंड योर सिल्वर बॉय साइनिंग ऑफ। सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, and don't forget to hit the bell icon for further notification of my new videos। and अभी हम लोग खाएंगे ये chips और पिएंगे ये Pepsi, तो मिलते हैं हमारी next video में।